Рамки дасть їх. सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गङ्गा गङ्गेति यो योजनानां हृदयरमे मूच्यते सर्वपापेभ्यो आरती कर दो, दूसरी आरती बाद में कर देंगे। हाँ वही तो बता दो। अरे कहाँ है? दूर जोर जो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राण समुखा अग्नि रूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम प्रदर्शयामि हस्त प्रक्षालन पूर्वकम नैवेद्या अन्नवतेन्नस्योतेर्जन्नोधेय स्वाहा अपानाय स्वाहा अभ्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय परब्रह्मणे नमो मध्ये पानीयमुत्तरापोतनमस्त प्रक्षालनार्थे मुख प्रक्षालनार्थे जलं करोद्वर्तनार्थे गन्धानुलेपनम् सुनाते अगोजो ऋतुफलानि समर्पयामि मुखवासार्थे अलादिलवन्दितं ताम्बूलपूर्तं कृताया पूजाया शार्दूलार्थे दव्यर्चना मन्त्रपुष्पाञ्जले गङ्गा गङ्गेति यो योजनां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो यस्तु लोकं स गच्छते आरती जनानां मे अस्तु रसवे रघो सर्वगणगोस्वस्ताये आत्मा जाने प्रजा जानी पाजो जानी लोक जान्या भाया जानी अग्ने हे प्रजा बहुला मे करो त्वनां पायो रे तो करपो करुणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरारार्तिक्यमुत्तारयामि जलेन प्रदक्षिणावर्तनम् पुष्पैः देवताभिवन्दनम् एक पुष्पचवा दीजिए थाली पुष्पैः देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरती ले लीजिए हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरार्तिक्य ग्रहणम् मंत्र पुष्पाञ्जलिः जज्ञेन जज्ञमय जन्त ಗಂಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹಂಸದೇವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾದೇವ್
करीबन 2 करोड़ लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ। दूसरा शाही स्नान जो था मौनी महोत्सव पर करीब 5 करोड़ लोग थे। एक मिनट रोकेंगे, ये शंखनाद जो देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, सहयोगी से भी कहेंगे कि वो दिखाएं। आखिर में हमारे यहाँ किसी भी परंपरा को संपादित करने से पहले बड़ा ही उत्सव के तरीके से उसको मनाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, देखिए शंखनाद किस तरीके से वो कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखकर के अनुभव दर्शकों से अगर साझा करें जो नहीं आ पाए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि नाम ही है शाही स्नान, तो जब तक इसमें वो शाही अंदाज नहीं होगा तब तक ये शाही स्नान नहीं कहलाएगा। और उसका जो है पूरा ध्यान यहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं ने रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्नान करके कुछ अखाड़े जो हैं वो लौट रहे हैं और वहीं कुछ अखाड़े जो हैं वो अभी आएंगे। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा समय है दर्शकों पूरा निर्धारित किया जाता है, एक पूरा टाइम टेबल बनता है, एक पूरी सूची तैयार होती है कि सर्वप्रथम कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 हमारे जो हैं वो संप्रदाय हैं और इन 3 संप्रदायों के तहत हमारे 13 अखाड़े आते हैं और इन 13 अखाड़ों के एक एक करके बारी आती है जब ये आते हैं और स्नान करते हैं और इसके बाद आम जनमानस यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। त्रिवेणी का घाट है, संगम है ये, और यहाँ पर हर कोई आतुर दिखाई दे रहा है स्नान करने के लिए। और इस वक्त जिस तरह से आशीष हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो रात की अपेक्षा अभी बढ़ी है। रात में जब हम लोग आए थे तब इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं थी। आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग भी अपने रूम से जहाँ पर हम लोग इस वक्त निवास कर रहे हैं वहाँ से हम लोग रात में 3 बजे निकल चुके थे। पैदल ये सफ़र हमें तय करना था क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो मेला क्षेत्र है उसके भीतर गाड़ी नहीं आ सकती, 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो कुछ नहीं आ सकता। तो पैदल पदयात्रा करते हुए हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर कूच किया था और हम यहाँ पर 4:30 बजे करीबन पहुंच गए थे और तब से हम यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको दिखा रहे हैं। आशीष, इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जो फोर्सेस हैं हमें फोर्सेस नजर आ रही हैं जो इस मेले को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहती, क्योंकि इस तरह की भी खबरें पहले आई थी कि आतंकवादी गतिविधियों का भी यहाँ पर बहुत तरह का खौफ मंडरा रहा है। तो उसी के तहत जो है व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा टाइट की गई हैं। आपको बताना चाहूंगी कि सरकारी जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो स्वयं खुद अपनी देखरेख में इस पूरे कुंभ मेले को संपन्न करने में लगे हैं। क्या DIG, क्या SP, क्या SSP, हर कोई अपनी तरफ से हर तरह की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अगर हम बात करें आज की तो जो सरकारी आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि दोपहर तक करीबन 3 करोड़ लोग स्नान करेंगे और ये इस अर्ध कुंभ 2019 तीर्थराज प्रयाग का अंतिम मुख्य शाही स्नान है। हालांकि इसके बाद 2 और स्नान होंगे लेकिन वो मुख्य शाही स्नान नहीं होंगे। 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक चलने वाले इस मेले की दिव्यता और भव्यता इस वक्त देखते बन रही है और सूरज जो है सूर्य देवता जो है वो अपने दर्शन दे चुके हैं और हम उन्हें नमन करते हैं। जो सूरज की लालिमा है वो उसकी छटाएं जो हैं पूरी तरह से प्रयागराज पर बिखर चुकी हैं और बहुत सुंदर दृश्य इस वक्त वाकई में इतने मनोरम हैं कि किसी भी तरह से आपको आकर्षित कर सकते हैं। क्या कहेंगे आशीष?
मनोहारी दृश्य इसलिए बहुत ही सुगम हो जाता है, इसलिए अच्छा हो जाता है कि जब प्रयागराज की पावन धरती पर आप आएंगे और इस पावन धरती के साथ साथ अगर आप अनुभव करेंगे प्रमुख शाही स्नानों की, अगर आप बात करेंगे पहला शाही स्नान मकर संक्रांति से शुरू हुआ और दूसरे शाही स्नान में अगर हम कहें तो सोमवती मौनी अमावस्या, तीसरे शाही स्नान की जो आप अनुपम झलकियां मेरे पीछे और अभी इसके पहले हम आपसे साझा कर रहे थे वो ये कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोग साधु संत अपने अनुयायियों के साथ में यहाँ पे स्नान करने के लिए पेशवाई के तौर पर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अपने अखाड़े से सब अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए लगभग 40 मिनट का समय सभी साधु संत समाज को और संग संग उन अखाड़ों को दिया जा रहा है। वो अपने पूरे सहयोगियों के साथ में, चाहे वो नागा साधु हों, चाहे वो महामंडलेश्वर हों, चाहे वो जगत गुरु हों, सब एक के बाद एक इस स्नान में सम्मिलित हो रहे हैं। और स्नान करने के बाद, स्नान के पहले की जो परंपरा होती है दर्शकों, वो मैं आपको बताऊं कि वो स्नान करने से पहले अपने लोगों के साथ में पूरी पेशवाई गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़ों के साथ में निकलते हैं। और इसके लिए प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने एक जगह बना रखी है जहाँ पे वो लोग आएंगे और अपने जो जिस वाहन से आएंगे उसके लिए पार्किंग बना रखी है। पार्किंग के साथ साथ हम आपको बताएं कि वो यहाँ से फिर उतरेंगे और समर्थकों के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अपने सहयोगी से कहें कि अगर आपको संगम का नज़ारा दिखाएं या वो जहाँ पे मैं पार्किंग की बात कर रहा था वो सामने आपको पार्किंग देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ ये जनसमूह अगर आप देखोगे तो आपको आकलन होगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का आना हुआ है। ये एक ऐसा जनसमूह है देश और दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। प्रयागराज को इसीलिए तीर्थों का राजा कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे देव भी आने को आतुर हैं। आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से इसे संगम सही तरीके से अगर माना जाए, नाविकाओं के माध्यम से, नावों के माध्यम से इसे संगम बनाया दिया गया है जिसमें लोग परिवार के साथ में यहाँ पे नौका विहार कर सकते हैं। संगम जहाँ गंगा और यमुना नदी, पावन नदी मिल रही है, उस क्षेत्र को आप कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। अगर इसके बाएं साइड की आप बात करेंगे तो ये अरैल का क्षेत्र हो जाता है, जहां इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की है वो नैनी का इलाका। किस तरीके से ये आप इस महा जन समूह का आप दर्शन कर पा रहे हैं प्रयागराज की पावन धरती से, ये वही धरती है जहाँ संत मनीषियों का यहाँ आना हुआ है, ये वही धरती है जहाँ हमारे सनातन परंपरा में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उन्होंने भी यहाँ पे यज्ञ किया है, यहाँ पे बावन भगवान की प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे देव हैं, तीर्थ देव हैं, इसीलिए प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तीसरे प्रमुख शाही स्नान की अनुपम झलकियां हैं। जय पारस चैनल दर्शकों, आपको बता दें कि धर्म के सच्चे स्वरूप के तौर पर आपको प्रयागराज की पावन धरती से ये तीसरा शाही स्नान दिखा रहा है। दर्शकों, हम आपको बताएं कि हमारे जो सहयोगी हैं, मैं परमिंदर सर से बोलूंगा कि आपको वो दिखाएं जिस तरीके से स्नान करने के बाद लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे अनुयायी जिस तरीके से उत्साह के साथ जा रहे थे, परमिंदर जी वो दिखाएं कि किस तरीके से ये राजसी ठाट में उनके ऊपर छत्र है और उनके आसपास में उनके समर्थक हैं, मतलब उन गुरु को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको पूरी एक तरीके से, शालिनी जी, ये सिक्योरिटी कह सकते हैं, धार्मिक सिक्योरिटी कह सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने गुरु के साथ वो में खुद एक फोर्स हैं जी। अपने जिस तरह से हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स है और रैफ यहाँ पर तैनात है, बहुत तरह की फोर्सेस हैं, लेकिन ये अपने गुरुवर के लिए खुद एक फोर्स है। इन्होंने पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा चक्र अपने गुरुवर के चारों तरफ बना रखा है ताकि कोई साधारण व्यक्ति, क्योंकि वो अभी स्नान करके निकल रहे, ऐसे में उन्हें स्पर्श ना कर ले, क्योंकि अभी उन्हें अपने शिविर में जाकर भी जो है वो क्रियाकलाप करने हैं, कई तरह के पूजा विधान करने हैं। और आशीष, अगर हम बात करें इस वक्त पूरे प्रयागराज की, तो यहाँ जो ये कुंभ की नगरी बसाई गई है, पंडालों की नगरी जो बसाई गई है, जो वैदिक मंत्र उच्चारण चल रहे हैं, धीप धूप की अगरबत्ती की महक से जो ये पूरा प्रयागराज महक रहा है, ये जैसे अपनी तरफ हमें बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है। माँ ये कहना चाह रहे हैं कि आओ, क्योंकि
हम मनुष्य जो हैं बड़े स्वार्थी हैं, आम दिवस में यहाँ आना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें माया जाल जो है वो घेरे हुए है। ऐसे में एक ही जो आयोजन है जो कुछ सालों के अंतराल में लगते हैं, ये मानवता का, मैं तो ये कहूँगी कि दुनिया के लिए, विश्व के लिए, समाज के लिए गंगा यमुना और सरस्वती का ये संगम है, लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये मानवता, संस्कृति और सनातन धर्म की एकता का संगम है। क्या कहना चाहेंगे शालिनी जी? ये देखिए, अब हम आपको दृश्य वो दिखाने जा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं आस्था का महाकुंभ, इसको कहते हैं गुरुओं का पावन सानिध्य, इसको कहते हैं कि माँ से मिलने के बाद जो उत्साह देखने को मिलता है, ये हजारों की संख्या में नागा साधु स्नान करने के बाद क्या उत्साह देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि इस धरती का स्वर्ग अगर परिकल्पना करें शालिनी जी तो यही हो सकता है। बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से भव्यता के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये नागा साधु जो हैं स्नान करके डुबकी लगाकर आ रहे हैं। आप जरा इनका उमंग देखिए, देखते बन रहा है। हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, ध्वजा लिए हुए हैं और उन ध्वजाओं पर माला टांगे हुए, हाथ में डमरू लिए, नगाड़े बजाते हुए किस तरह से ये निकल रहे हैं। वाकई में बड़े मनोरम ये दृश्य हैं, अद्भुत, अकल्पनीय ये दृश्य, और ऐसे दृश्य जिन्हें देखने के लिए साधारण जनमानस आतुर है। यही कारण है कि जय पारस के माध्यम से हम लगातार डटे हुए हैं, हमने इन नागा साधुओं के जाते हुए भी आपको दृश्य दिखाए और अब जब ये डुबकी लगाकर निकल आए हैं तो उस जोश और उमंग को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, आप इस वक्त सीधा प्रसारण देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं तीर्थराज की धरा कुंभ की नगरी से। और हम देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पूरे शाही अंदाज में गाजे बाजे के साथ पूरी तरह से डोली में बैठकर निकल रहे हैं धर्मगुरु। ये देखिए किस तरह से जो है वो अंदाज है इनका, किस तरह से ये अपनी दिव्यता, भव्यता दर्शा रहे हैं, क्योंकि शाही स्नान है तो शाही अंदाज तो देखने योग्य होगा। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे धर्म पर किसी भी तरह की कोई विपदा आई तो भले ही हम गुरु हैं, धर्म अनुयायी हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इनके हाथ में जो शस्त्र है, अस्त्र है, वो यही बताता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वाकई में यही सब कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में, भारी तादाद में जो है त्रिवेणी की तरफ से, घाट की तरफ से जो है वो चले आ रहे हैं धर्मगुरु। अभी आपने देखा नागा साधु, क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि 13 अखाड़ों से पहले, सबसे पहले सर्वप्रथम जो है नागा साधु ही हैं जो स्नान करते हैं और उसके बाद अखाड़ों का स्नान एक एक करके शुरू होता है। हर अखाड़े की अगर हम बात करें, 13 अखाड़े, तो करीबन एक अखाड़े को 40 मिनट का लगभग समय दिया जाता है जिसमें वो अपना स्नान सम्पन्न करते निकलते हैं। और आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से किस तरह से निरीक्षण हो रहा है, किस तरह से जो है वो इस मेले के दृश्य को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देखते होंगे, जो सब कुछ देखते हैं, वो इसी तरह के हेलीकॉप्टर से कैप्चर किए जाते हैं जिन्हें एरियल शॉट्स कहा जाता है। और आपको बताना चाहूंगे ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये इन सभी साधु संतों पर पुष्प वर्षा करने के लिए भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हमने पिछले शाही स्नानों में भी आशीष देखा था कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये पुष्प वर्षा कर रहे थे हमारे सभी साधु संतों पर। क्या कहेंगे शाली जी, जिस तरह से हम लोग जयपारस के माध्यम से कुंभ दर्शन कार्यक्रम कर रहे थे, तो उसमें हम आपको बताएं दर्शकों, कई ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने ये भी कह रखा था, जब हम यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब देश का यानी प्रदेश का अगर राजा यानी वर्तमान में मुख्यमंत्री अगर सन्यासी प्रवृत्ति के हों और सन्यासी हों तो वहाँ की धार्मिकता का आकलन, व्यवस्थाओं का आकलन किया ही नहीं जा सकता है। वो अपने आधार पे क्या आवश्यकताएं होती हैं उसको लेकर के वो लगे रहते हैं, तो उसी को लेकर के पुष्प वृष्टि एक तरीके से साधु समाज का, आए हुए आगंतुकों का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। पुष्प वृष्टि होती है स्नान के बाद। अब ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, संबोधन के तौर पर मीडिया कर्मियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ उनके जो समर्थक हैं उनको एक घेरे में ले लिए हैं। ये पूरे आयोजन का अलग अलग रूप आप देख पा रहे हैं जयपारस चैनल पर। हमने जिस तरीके से धर्म के सच्चे स्वरूप की कल्पना आपके सामने की थी, वो कल्पना को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो इंतज़ाम की बात की जा रही थी वो मैंने आपको दिखाया, और इसके साथ साथ यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को अगर आप देखेंगे, कुंभ के इस आयोजन को आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और अगर घाट की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी जनसंख्या में आपको भीड़ देखने को मिल रही है। यह स्नान करने के लिए कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग स्नान करके लौट रहे हैं, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके सामने अगर गंगा जी के बीच में अगर आप देखेंगे किस तरीके से, ये कहीं और नहीं, ये हमारे देश में आए हुए ये भी एक तरीके के मेहमान हैं, साइबेरियन बर्ड है ये। और उसके उस तरीके से अगर घाट पे आप देखेंगे जो संगम लोअर का क्षेत्र कहा जाता है, जो झूसी के साइड का इलाका है जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन की बात की जाती, कल्पना की जाती है, उस घाट पे भी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पे स्नान करते हुए देखा जा सकता है। आप किसी भी घाट पे जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मानो आराम से आप स्नान करेंगे। और आज के अगर इस आयोजन की बात करेंगे, इस आयोजन में इतनी बड़ी जनसंख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे स्नान करने के लिए जब लोग आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब। जनसैलाब की अगर बात की जाए तो इसी को कहते हैं लोगों का समूह, जत्था। ये देखिए, स्नान के बाद अपने पंडाल की तरफ जाते हुए संतों से मीडिया साक्षात्कार करता हुआ और उनसे इस बार की व्यवस्थाओं के बारे में शायद जिक्र करता होगा शालिनी जी कि क्या आयोजन रहा। आप इस आयोजन से आज आखिरी शाही स्नान, शायद अब इस स्नान के बाद, शाही स्नान का मुख्य रूप यही है कि गुरुओं का ये जो अखाड़ों का जो शाही स्नान होता है, अब आने वाले आयोजन के बाद ही ये दृश्य देखने को मिल पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए जिक्र करते हुए, जानकारी लेते हुए ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी इस बार के आयोजन से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और ये जो अमृत तुल्य अनुभव है इसको भी कहीं ना कहीं ये जो हमारे संत हैं ये साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस घड़ी, जिस पल, जिस नक्षत्र में ये जो यहाँ का जल है ये जब अमृत तुल्य हुआ है, तब ऐसे में इन संतों के स्नान के बाद जो है ये अमृत और बड़ा महान अमृत बन जाता है, क्योंकि साधु संत नहा चुके हैं, नागा सन्यासी नहा चुके हैं, और इसके बाद जब एक साधारण व्यक्ति इस जल को स्पर्श करेगा तो फिर उसकी दिव्यता ही कुछ और होगी। और अगर हम साधारण व्यक्ति की बात करें तो उनके भीतर की आस्था इस वक्त देखते ही बन रही है। मैं अपने सहयोगी परमिंदा जी से कहना चाहूँगी कि अब वो आपको कुछ अलग से दृश्य दिखाएं, आपको ये दिखाएं कि किस तरह से सुबह के वक्त घाट पर जो है वो लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए कितनी भारी मात्रा में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ साधारण व्यक्ति इस वक्त पहुंच रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, जहां जहां तक आपकी निगाह जा रही है, जहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, आपको श्रद्धालु स्नानार्थी ही नजर आएंगे। विभिन्न विभिन्न राज्यों से आने वाले ये स्नानार्थी आज अंतिम शाही स्नान के दिन पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, सर पर आस्था की झोली ली हुए, कंधे पर उम्मीदों का कंबल डाले हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए, लंबी पदयात्रा करते हुए अपनी माँ को स्पर्श करने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा है। आज की ठंड, आज की सर्दी इनकी आस्था पर कहीं भी भारी पड़ती नजर नहीं आई। आज आस्था और विश्वास ऊपर है और जो सर्दी है वो खुद शर्माए हुए है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से नौका विहार करते हुए स्नानार्थी यहाँ पर, बड़े प्यारे दृश्य, मनोरम दृश्य आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साइबेरियन पक्षी, जो ये प्रवासी पक्षी हैं, एक दूसरे देश से यहाँ जो चले आए हैं, आपको बताना चाहूंगी जो साइबेरियन पक्षी हैं ये पूरे 2 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। माघ महीने से पहले यहाँ पर आ जाते हैं, पूरे 2 महीने यहाँ पर प्रवास करते हैं और उसके बाद ये पुनः अपने वतन को लौट जाते हैं।
ये भी इस दिव्य अनुभव की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आ पहुंचे हैं। कहा जाता है कि देवी देवता तक इस धरा पर आकर इन दृश्यों को देखने के लिए आतुर होते हैं। दूर दूर तक, जहां तक आपकी निगाह जा रही है, भारी जन सैलाब इस वक्त आपको नजर आ रहा है। एक तरफ जहां शाही अंदाज में हमारे अखाड़े स्नान कर रहे हैं, वहीं साधारण जनमानस जिनके लिए कुंभ का मेला है, वो भी इस मेले का आनंद लेने के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं। पूरे आयोजन के बाद हम लोग जिस तरीके से परिचर्चा करते हैं, आज हमारे साथ आचार्य संजय वासुदेव जी हैं, इनसे ही कुछ जानकारी लेते हैं कि आयोजन तो अलग अलग तरीके से होते रहते हैं, लेकिन इस आयोजन की अगर हम बात करें और आज प्रमुख शाही स्नान की अगर हम बात करें तो कुछ जानकारियां इनसे भी जानकारी लेते हैं, हमारे दर्शकों को क्या कुछ इस आयोजन के तौर पर कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज इस सृष्टि पे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये आज के दिन इस जगह के बारे में लोग आते हैं, यहाँ प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, दान करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आपको मैं कुछ विशेष बातें बताता हूँ। अगर संगम जहाँ पर गंगा जमुना मिल रही हैं, अगर आपके घर में आसुरी शक्तियाँ विराजमान हैं या आपको ऐसा महसूस होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा बालू ले जाइए, उसको लाल कपड़े में रख करके अपने घर में रख दीजिए, वो आपका घर छोड़ देंगे। और अगर आपको कोई चर्म रोग है तो यहाँ से जमुना जी का जल ले जाइए, 43 दिन उससे स्नान करिए, वो चर्म रोग खत्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर ढैया या साढ़े सती शनि की चल रही है तो 43 दिन जल से नहा लीजिए, वो शनि शांत हो जाएंगे, यम की देवी हैं। ये खास आज बात है। दूसरा, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ये है कि साधु संत तो यहाँ पर है ही हैं, लेकिन दृष्ट और अदृश्य रूप में यहाँ देवी देवता भी विराजमान है। वो उनकी उनकी जो शक्ति है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भीड़, ये उन्हीं का आकर्षण है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ गए हैं। और वो यहाँ पर दृश्य अदृश्य हो करके इनको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जब जिससे प्रसन्न हो जाते हैं वो किस रूप में उनको आशीर्वाद दे के जाएंगे उनको खुद भी नहीं पता है। लेकिन इसीलिए इस प्रयाग के कुंभ की खासियत है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बसाया और ब्रह्मा ने यहाँ पर आ करके इसकी रचना की। अब आज का महत्व, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना कर दी तो देखा कि मैंने बना तो सब कुछ दिया, फूल भी खिल रहे हैं, पंछी भी हैं, सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन ऊर्जा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अब वो बहुत घबराए, विष्णु जी को ब्रह्मा जी ने विष्णु को बुलाया। विष्णु जी ने कहा, ये क्या हुआ? विष्णु जी ने अपने जल से कमंडल से जल निकाला और डाला, उससे सरस्वती जो हैं वो सामने प्रकट हुई और उन्होंने फिर उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे माँ, सृष्टि में तो कोई ऊर्जा ही नहीं। उन्होंने अपनी वीणा का जैसे ही बजाया, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। आज उसी ऊर्जा को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। आज आप सूर्य की रोशनी में एक नई ताजगी महसूस कर सकते हैं। ये है आज का महत्व। यहाँ जो आप ये इतनी ऊर्जा देख रहे हैं, ये माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद हो गया। आज जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो चाहें तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ ऐसे दान कर सकते हैं गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई की चीज़ें जिससे उनके बच्चों को फ़ायदा होगा। और जिनके पितृ दोष हैं जिनके यहाँ पर, और वो बहुत आज वो पीपल के पेड़ पर जा कर के कुछ चढ़ा करके प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का आज सृष्टि पर विशेष प्रभाव रहेगा। तो मकर राशि में सूर्य और वो भी उत्तरायण, तो एक ऊर्जा बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बुध सब हमको प्रदान कर। शाही स्नान के तौर पर हमने बहुत सारी चीज़ों से आपको साझा किया, यहाँ की महत्ता क्या है, यहाँ की विशेषता क्या है और प्रमुख शाही स्नानों का अलग 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 मानना है, किस तरीके से अखाड़े एक के बाद एक शाही स्नान को संपन्न हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानने की कोशिश किया, आखिर में अगर ज्योतिष के हिसाब से इस आयोजन की कल्पना करें क्या कुछ विशेष है, तो आपको
एक के बाद एक चीजें जानकारी मिल रही है। एक चीज ये भी जानना चाहते हैं, मेरा मनोभाव है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अगर सही तरीके से देखा जाए, आपने यहाँ की बालू की बात की, यहाँ की गंगा अगर जल की बात करें तो कहते हैं कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा दर्शन से जहाँ मुक्ति मिलती है वहाँ गंगा के जल को हम अगर सनातनी है, अलग अलग पूजा पद्धतियों में गंगा जल का भी उपयोग बड़ी तरीके से किया जाता है। तो आज वसंत पंचमी है, आज के इस आयोजन के तौर पर अगर गंगा जल से रिलेटेड कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कुछ उन्हें अनुभव हो सके और जो आए हैं उसका पालन कर सके। देखिए गंगा जल का, गंगा जमुना सरस्वती यानी लक्ष्मी काली और माँ सरस्वती। अब लक्ष्मी कौन है? माँ गंगा। और यमुना क्या है? माँ काली। और सरस्वती यानी इन दोनों चीजों से हम परे हो जाएंगे, यानी मोह से और अपनी ताकत से तो मोक्ष मिलेगा, यानी सरस्वती हमें ज्ञान होगा। अंधकार रूपी माया ने हमारी आत्मा को अपने कैद कर लिया और हम अपने को जान ही नहीं पाते कि वो परमात्मा हमारे अंदर है। इस गंगा के स्नान करने से, क्योंकि यहाँ जितने भी साधु संत आए हैं, और अभी मैंने आपको कहा यहाँ पर देवी देवता सुर असुर असुरी शक्तियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर देवी देवता भी हैं, असुरी शक्तियाँ भी हैं, क्योंकि वो भी तो शिव के भक्त हैं जी। तो उनके प्रार्थना और पूजा से इतना प्रभाव इस गंगा जल में खुद तो उनमें है ही है और हो जाता है। इसको ले जा करके उनको अपने घर में रखना चाहिए, चांदी के चकोर टुकड़े डाल दें, अगर घर में माँ को बहन को या विवाह नहीं हो रहा है, माँ को कोई कष्ट है, बहन का विवाह नहीं हो रहा है, तो बहुत आराम से संपन्न हो जाएगा। अगर इस आप किसी भी दोष से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो इसका छिड़काव आप 43 दिन अपने घर करें, मुक्ति हो जाएगी। यानी आपको एक नई दृष्टि, माँ एक नई दिशा देगी, ये ऊर्जा आज की आपको एक नया जन्म की तरफ ले जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। लोग यहाँ आते हैं मोक्ष की बहुत बातें कर रहे हैं कि हम मोक्ष चाहते हैं हम ऐसा, लेकिन मोक्ष किसको चाहिए? वो तो ये इतना बढ़िया मंदिर परमात्मा ने बना के दिया, देखिए ना गुंबद, ये देखिए दो वो, और उसके अंदर बैठा वो, उसको कैद कर लिया है माया, इस सब ने कैद करके, माया ने मोह ने, इससे मुक्ति के लिए आज यहाँ आइए और इसको अपने जीवन में उतारिए, देखिए कैसे सब कुछ मिलता है। अच्छा ये सारी चीजों के साथ साथ एक चीज और अगर ये जानना चाहें कि आज प्रमुख तौर से अगर जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं हमें, उनके लिए क्या कुछ कि वो कल्पना कर सके, कहता है ना मन से बड़ा कुछ नहीं होता, मन से अगर हम यहाँ पे भाव करें कि हम इस समय संगम पे हैं, कुछ ऐसी पद्धतियां करें जिस यहाँ आने का कुछ फल मिले ज्योतिष के आधार। वो आंख बंद करके एक पहले जोत जलाएं, आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी सृष्टि की उस खूबसूरत जगह पे नहीं पहुंच सका और मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं उसका अनुभव कर सकूं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ये प्राप्त होगा, और ज़रूरी नहीं है कि माँ गंगा के पास नहीं आ पाए हैं तो वो दुखी हों, उनको दुखी नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर भी हैं। माँ लक्ष्मी कौन है? वो आपके अंदर में भी है। तो आप, क्योंकि भारतवर्ष की खूबसूरती है, माँ हर जगह विराजमान है, और आँख बंद करके शिव की आराधना प्रार्थना करें तब भी इतना ही फल प्राप्त होगा, कोई बात नहीं। जब आप किसी चीज़ को साधते हैं तो आपको वो यहाँ पर जरूर लेके आती, तो उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो माँ की प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी की सरस्वती की पूजा करें, उनको उतना ही फल प्राप्त होगा। पल पल की गतिविधियों के आधार पर हम अलग अलग दृश्य इस पावन धरती से दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी सालिनी जी, क्या कुछ आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं इस आयोजन में? अगर धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हमने दर्शाया, इसके साथ साथ ज्योतिष के आधार पे हम अपने दर्शकों को यहाँ से जानकारी आपके माध्यम से दी, आपके भी कुछ प्रश्न हो उनसे पूछ। आचार्य जी, हमने यहाँ पर बहुत सारी अभी चर्चा की, यहाँ पर बात करी यहाँ की विशेषताओं को लेकर, आपने यहाँ के बालू, यहाँ के गंगा जल की जो विशेषता हमारे दर्शकों को बताई। यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि आज से बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, आज से बसंत ऋतु आ रही है, और जब प्रकृति जो है वो अपने आप को पूरी तरह से खोल कर रख देती है, हर जगह हमें पुष्प नजर आएंगे, हर जगह हमें बड़े सुंदर दृश्य नजर आएंगे, आपसे जानना चाहूंगी ज्योतिषीय गणना के अनुसार
ये जो शाही स्नान आज संपन्न हुआ, बसंत ऋतु का आगमन हुआ, ये जो है ये हमारे आने वाले दिनों के बारे में क्या बता रहे, क्या कुछ शुभ संकेत जो है ये समाज को दे रही है? पश्चिमी देशों के लिए मार्च अप्रैल मई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के लिए सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है, उसका प्रभाव हमारे भारतवर्ष पे बहुत अच्छा है। हमारा भारत उच्च उच्चता की तरफ जाएगा, पूरी दुनिया में नंबर एक होने की तरफ जाएगा और बुरे लोग समाप्त होने लगेंगे, सबकी सोच में बदलाव आने लगेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ये जो पूरा शरीर की संरचना है, इसमें जो हमारी बोन्स हैं, ये सूर्य का कारक है। और अगर आप पूरे घूमिए तो लोगों से आपको ये लगेगा नहीं, सब कुछ नया चाहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये शब्द आपको सुनने को पहले नहीं मिले होंगे, ये प्रभाव सूर्य का है। अगर देखिए तो दो ग्रहण इस बार पड़ गए जिससे कि माँ बहनों को बहुत नुकसान हुआ, कुछ माँ बहनें डिप्रेशन में थीं, कुछ लोग मानसिक रोगी हैं उनको उनके कष्ट बढ़ गए थे, लेकिन इस बार सोमवती अमावस्या की वजह से यही चंद्रमा अब बहुत उच्च का हो गया, तो माँ बहनों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप देखिए तो आने वाला है चुनाव, मांगलिक कार्य यानी मंगल होने जा रहा है, इसको सब कुछ नया होगा। और अगर आप देखिए तो बुध, सब आज देखिए सब अच्छी बातें करने लग गए हैं, अगर आप किसी भी चैनल पे बैठिए लोग अपने देश के बारे में सोचने लगे। बृहस्पति, हम देखते हैं कि लोग बड़े बुजुर्गों का अनादर कर रहे हैं, चैनल पे भी बैठ के कर रहे हैं, लेकिन समाज में आइए तो कहते हैं नहीं ये गलत बात है। तो बृहस्पति, संपन्नता आप देखिए तो धीरे धीरे सबको मिलने लगी है, यानी शुक्र और हम लोग अब बहुत विश्वास करने लगे हैं न्यायालय के ऊपर, हर बात में हम वहां चले जाते हैं, यानी शनि। तो सब तो हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छे हैं इस वर्ष, यानी कि आचार्य जी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला जो समय है भारतवासियों के लिए अच्छा समय, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नई ऊर्जा जो आज आप संचार देख रहे हो, नई रोशनी सूर्य की देख रहे हैं, ये आपको सबको मिलेगी, देखिएगा आप। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए आचार्य जी। तो हमने कई सारे मुद्दों पर आचार्य जी से बात की और इन विचारों को आपके साथ साझा किया। अब आइए फिर से एक बार लौटते हैं शाही स्नान के सुंदर दृश्यों की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी आचार्य जी, समय दिया आपने, इतनी सुंदर चर्चा हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शाही स्नान की झलकियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फिर से एक बार भव्यता के साथ यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे अखाड़े जो हैं स्नान करके आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और आप देख रहे हैं कि सूरज की लालिमा चारों तरफ चहुओर बिखर चुकी है और हर तरफ जो है वो इस वक्त हमें स्नानार्थी नज़र आ रहे हैं, श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, आम जनमानस जो है ये पूरी धरती ये धरा पटी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पटल पर ये सैकड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इन दृश्यों को आप देख रहे हैं, इन दृश्यों को देखकर आप जो अनुभूति कर रहे हैं बड़ी दिव्य अनुभूति है और ऐसे दृश्यों के लिए आपको कई सालों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद जो अगला कुंभ होगा, पूर्ण कुंभ होगा, ये हरिद्वार में एक बार फिर से माँ गंगा के आंचल पर लगेगा। जी हाँ, 2021 जनवरी में हरिद्वार पर लगेगा भव्य कुंभ और फिर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक यहाँ के दर्शन नहीं किए हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएं, क्योंकि जो है 4 मार्च को यहाँ पर अंतिम स्नान होगा। अंतिम स्नान के साथ ये जो यहाँ का अर्धकुंभ 2019 है प्रयागराज का, ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अखाड़े जो हैं अभी स्नान करने गए हैं, उन्हें लंबा समय लगता है, वहाँ पर कई तरह की पूजा होती हैं, कई सारी विधियाँ हैं जिनके साथ स्नान किए जाते हैं, तो यही कारण है कि एक एक अखाड़े को काफ़ी लंबा समय यहाँ पर स्नान के लिए लगता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार निरीक्षण में लगे हुए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की अमानवीय गतिविधि यहाँ पर ना हो जाए। आप समझ सकते हैं इतने बड़े समूह को सुरक्षित करना
कोई साधारण काम नहीं है। असुरक्षा की भावना यहाँ आने वाले स्नानार्थियों को परेशान न करें, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यही कारण है कि सरकार ने यहाँ पर बहुत तरह के खास इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की जो दिव्यता है, भव्यता है, तो फिर इसके कहने ही क्या, ये तीर्थराज है, यानी कि जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनमें राजा है ये। और हो भी क्यों ना, जहाँ पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का वास हो, वो जगह अपने आप में दिव्य हो जाती है। जहाँ पर ब्रह्मा जी ने असंख्य यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किया, जहाँ पर देवी देवता खुद इसका हिस्सा बने, वो दृश्य जो है बड़े ही किसी को भी लुभाव सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, जनमानस हैं, वो आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो भी कतार में लगे हुए हैं। जब आप मेला क्षेत्र की तरफ, भीतर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे अखाड़े हैं जो भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जो है कतार में खड़े हुए हैं कि एक अखाड़ा स्नान करके निकले, घाट खाली हो, तो फिर हम अपने अनुयायियों के साथ वहां पर पहुंचे। और यही दृश्य आपको इस वक्त जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे मीडिया टावर पर सभी मीडिया इस वक्त मौजूद है अपने अपने चैनल तक इन दृश्यों को पहुंचाने के लिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, धार्मिक चैनल इस वक्त यहाँ प्रयागराज की भूमि पर हैं। और आप देख रहे हैं पीपा पुल की तरफ किस तरह से जो है जा रही हैं शाही सवारियाँ, जो है वो वापसी की तरफ हैं। आप पीपा पुल की तरफ जो देख रहे हैं, सभी शाही सवारियाँ आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं। शाली जी, ये दृश्य देखिए, ये मतलब स्नान के बाद में सारी पेशवाइयाँ जो है अपने पंडाल की तरफ आगे बढ़ रही हैं, वापस जा रही हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि एक ऐसा पुल है जैसे वो खुद चल रहा है। लोग जो हैं पूज्यश्री के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और आज ये एक सुखद अनुभूति हम अपनी तरफ से भी, जयपारस टीम की तरफ से भी, आप सभी दर्शकों को ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हम भी कहीं ना कहीं पुण्य के भागी हैं जो इस नज़ारे को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही ये सारी चीज़ें हम लोग संचालित कर रहे हैं, और सीधे प्रसारण के तौर पर जो हमने आपसे संकल्प किया था धर्म के सच्चे स्वरूप के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा स्लोगन जो है जयपारस चैनल का, धर्म का सच्चा स्वरूप ये नहीं तो और क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जब बात हो धर्म की, जब बात हो सच्चे स्वरूप को दर्शाने की, तो जो कुंभ है ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम इन दृश्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और आशीष, जिस तरह से हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि दिखाएं किस तरह से फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं और कितनी बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में। ये भी नहीं कि कोई इक्का दुक्का यहाँ पर खड़े हों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से दो दो तीन तीन फोर्सेस पुलिस के साथ यहाँ पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही है। वाकई में आशीष, अगर हम इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करें, आभार व्यक्त करें, तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा। और वाकई में जहाँ पर बात जब आती है हिंदुत्व की, जब बात आती है सनातन धर्म की, जब बात आती है एक ऐसे प्रदेश की जिसका संचालन खुद एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो खुद पीठाधीश्वर है, जो खुद एक पीठ से संबंध रखते हैं, तो वाकई में इस कुंभ को दिव्य और भव्य होना तो स्वाभाविक है, क्या कहेंगे शालिनी जी? एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी खुद इस पूरे मेले का निरीक्षण बार बार आके कर रहे हैं, और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से अपने माध्यम से हर बार जायजा लेते हुए इसको सही रूप से संचालित करने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे यहाँ आवागमन की व्यवस्थाओं हो, हर चीज को, टेंट की जो व्यवस्था है, एक टेंट सिटी बनाई गई है, और भी सारी चीज़ों को सही रूप से संचालित करने की पूरी कोशिश की गई है। और जिस तरीके से वो भगवाधारी हैं और संतों के बीच रहने वाले हैं, एक संत हैं, इसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इस आयोजन को लेकर के जो सोच थी वो पूरी तरीके से साकार हुई है। शालिनी जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक इसलिए लेना चाहेंगे कि इस आयोजन की अनुपम झलकियाँ दिखाने का जो हमारा वायदा है वो यहाँ पे एक जगह कुछ समय के लिए यहाँ रोकने की कोशिश होगी, क्योंकि पेशवाई शुरू हो गई है, तो कुछ ऐसे महाराज श्री हैं जिनके साथ हमारी एक दूसरी टीम लगी हुई है, वो भी इस पेशवाई को दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसी के तहत हम यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और उन दर्शकों को फिर से उस टीम के साथ जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पे लेते हैं एक अल्पविराम, फिर मिलेंगे
जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज। मेरे नाम कटा नहीं है लाइव, फोन तो करने देते पहले।